अगर आप जॉब से थके हुए जाते हैं और चाहते हैं कि बीवी मुस्कुराते चेहरे से मिले, तो आप तेवर मरोड़ कर मिले तो जायज है, आप थके हुए हैं। कभी उस बिचारी बीवी का भी हाल देखा जो सुबह से उठी, उसने 4-5 बच्चों को तैयार किया, स्कूल भेजा, आपका सारे घर वालों का नाश्ता बनाया और सबको रवाना करके फिर वो गंडे और प्याज काटने बैठ गई और आलू काटने बैठ गई और गोश्त धोने बैठ गई। लंच तैयार हो रहा है, बच्चों के लिए भी शौहर के लिए भी, सारा दिन किचन में गुजरा। दोपहर का खाना खत्म हुआ, शाम तक फिर वो अब अशा के लिए डिनर के लिए हो गई, ये वही खाना तैयार कर लिया दोबारा। और फिर हमारे लोग आते हैं कि नमक ज्यादा पड़ गया, मिर्च ज्यादा है, तुम्हें तमीज ही नहीं है सालन बनाने की, नमक ज्यादा उठा के। मैंने एक शौहर साहब अपनी आंखों से देखे, बीवी बिचारी से नमक ज्यादा पड़ गया हांडी में, मैंने आंखों से देखा, जाती मुशाहदा है, ये जंग का एक वाकया है। हांडिया उठा के दीवार पे दे मारी उसने। उसने कहा काम कर करके हम मर जाते हैं तो तमीज का शरीर इज्जत का खाना ही नहीं मिलता। अरे नादान, किस तमीज के खाने की बात करते हो, ये उसका एहसान है, उससे नमक ज्यादा पड़ गया, लजीज सालन नहीं बना सकी, अल्लाह रसूल ने तो उसका फर्ज ही नहीं बनाया था। ये कहां कुरान और हदीस में है कि आपको खाने पका कर दे? ये कुल हदीस हैं जो तुम्हारे फराइज और औरतों के हुकूक हैं, इनसे ज्यादा कोई हदीस अगर मेरी नजर से नहीं गुजरी तो मुझे दिखा दे। ये तो उसकी नेकी है जो पका के खिला रही है, तो नमक ज्यादा पड़ गया तो क्या हुआ, अप्रिशिएट कर दे, नाम ही ना ले। मिर्च कमोबेश हो गई तो क्या हुआ, कुछ अपने नफ्स का भी इलाज करें, अप्रिशिएट करें। अगर हम थके हुए आते हैं सारा दिन काम करके, तो उसके भी कभी घंटे काउंट किए कि सारा दिन वो घर में कितना काम करती है, उसके भी 10-12 घंटे से कम काम नहीं होता। बच्चों को अलग संभालना, रोते बच्चों को अलग देखना, घर की सफाई अलग करना, सारे काम वो करती है, उसकी ड्यूटी के भी 8-10 घंटे बनते हैं। अगर हमारी ड्यूटी के 8-10 घंटे हैं, दोनों की पोजीशन इक्वल है, सो दोनों का फर्ज है कि शौहर आए तो बीवी का फर्ज है। अल्लाह रसूल पूछेंगे उस बीवी से कि जब शौहर आए तो वो चिड़चिड़ापन लेके उसको मिले तो क्यामत के दिन उसका मुआवजा होगा, चेहरे पर मरोड़ ला के मिले, गुस्से से बात करे, मूडी होकर बात करे, मुआवजा होगा। और इस तरह मुस्कुराते हुए चेहरे से मिले, वेलकम करे, क्या हाल है, दिन कैसा गुजरा। और इस तरह अगर शौहर दाखिल हो तो वो आके उठा के चीजें ना फेंकता हुआ आए और बर्तन तोड़ता हुआ ना आए, मोहब्बत से मिले, कैसा दिन गुजरा, आज घर कैसा रहा, बच्चे कैसे रहे, वो उसका हाल पूछे, वो उसका हाल पूछे, एक दूसरे को स्माइल एक्सचेंज करें, मुस्कुराहट एक्सचेंज करें, मोहब्बत एक्सचेंज करें। घर में नफरत से जन्नत नहीं बनता, घर मोहब्बत से जन्नत बनता।